ज द की ऑफ द मोटिवेशन तो बेसिकली दो लोगों ने मिलकर ये मॉडल बनाया था मॉडल आया था लेकिन मॉडल का जो कोर था जो आइडिया था वो क्या था प्लेज की रोल इन द मोटिवेशन दैट मीन की जो जॉब है जिस काम को आप कर रहे हैं अगर वो काम आपको अच्छा लगता है तो वो अपने आप में मोटिवेशन है आपको किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो दिस वॉज द होल आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल अ चैलेंजिंग एंड अ वर्सोटाइल जॉब हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मोटिवेशन वेर एज अ बोरिंग और अ मोटोनस जॉब इज डिजास्टर्स टू फॉर डिजास्टर्स टू एम्प्लॉय मोटिवेशन तो बेसिकली जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि द चैलेंजिंग और वर्सटाइल अगर जॉब आपका एक चैलेंजिंग जॉब है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्सिटैलिटी भी आती है वेराइटी भी आती है डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को यूज करना पड़ता है तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है मोटिवेशन पे वेयर एज जो बोरिंग जॉब है मोनाटोनस है लगातार एक तरह का ही जॉब है वो आपके एम्प्लॉय मोटिवेशन को काफी नुकसान कराता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड जॉब जॉब सेटिस्फैक्शन बाय द मीन्स ऑफ एडजस्टिंग जॉब इट तो बेसिकली उन्होंने इस मॉडल में ये कहा कि

इम्प्लॉज को किस तरह से मोटिवेटेड रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टास्क को रिस्ट्रक्चर किया जाए किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन लगातार चलती रही थी बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेंटेन अ मोटिवेशन ऑफ द इम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन द आइडिया वॉज टू इन रिच जॉब इन सच अ वे दैट दैट बूस्ट इम्प्लॉय मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ मेयरली सिंप्लीफाइंग द जॉब कैरेटरिस्टिक्स

20 सालों तक इसके ऊपर रिसर्च होती रही और फाइनली एक बुक आई जॉब वर्क रीडिजाइन के नाम से नाइनटीन में जिसमें कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को पब्लिश किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस मॉडल ये मॉडल है क्या उसके बारे में बात करते हैं मॉडल में थ्री थ्री स्टेज ये मॉडल है आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जॉब के की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो वहां पर आपने पांच जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आप देख रहे हैं स्किल वेराइटी टास्क आइडेंटिटी टास्क सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी एंड फीडबैक ये पांच हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब है उसके बाद जो आपके तीन है वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं दैट इज मीनिंगफुलनेस ऑफ द जॉब ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट ये तीन आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिसको तीन और वेरिएबल जो कि मॉडरेटर है जो जो इसको कर कर रहे हैं और इन सब से आपके निकल कर आ रहा है वो आउटकम है इंटरनल वर्क मोटिवेशन ग्रोथ सैटिस्फैक्शन जनरल जॉब सैटिस्फैक्शन एंड वर्क इफेक्टिवनेस तो बेसिकली थ्री स्टेज मॉडल सबसे पहले कोर पांच जॉब के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं

अगर किसी भी जॉब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट को एम्प्लॉय यूज कर सकता है तो वहां पर एक अच्छा वर्सिटैलिटी नजर आता है एक जॉब में वेरायटी नजर आती है जो एम्प्लॉय को काफी मोटिवेट करती है जैसे मॉडल स्टेट द जॉब हैविंग मोर वेरायटी रिक्वायर्स मोर स्किल एंड टैलेंट एंड दस विल रिजल्ट इन टू एम्प्लॉय फीलिंग दैट दे आर डूइंग मीनिंगफुल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर आपके जॉब में बहुत तरह की वेराइटी है जॉब में डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट का यूसेज है

और उसका आउटकम भी विजिबल है मतलब इंप्लॉय उसके आउटकम को भी देख सकता है तो वैसा जॉब इंप्लॉय को बहुत मोटिवेट करता है अकॉर्डिंग टू जीएसएम इफ द अंडरस्टैंड दैट नीड्स टू बी डन एंड दे दे आर फिनिश्ड दे आर एबल टू सी द आउटकम दे विल अचीव एट द एंड तो आपको क्या पता चला अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहां पर इस मॉडल ने क्या बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने जॉब जो वो काम कर रहा है उसको वो सही तरीके से समझ ले मतलब जॉब एक प्रॉपरली तरह से डिफाइन की हुई है प्लस वो उसके आउटकम को भी देख पाए जब वो जॉब खत्म हो जाए फिनिश होने के बाद तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो टास्क आइडेंटिटी ऑल अबाउट डिफाइनिंग द जॉब एंड यू कैन सी द आउटकम ऑफ द जॉब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वॉज टास्क सिग्निफिकेंस इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच टास्क हैज एन सिग्निफिकेंट ऑन द लाइफ ऑफ अदर पीपल वेदर दोज पीपल आर इन इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन और इन सोसाइटी अब जो तीसरी जॉब की करेक्ट्रिस्टिक्स थी वो ये थी कि, कि कई बार कुछ जॉब ही ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ पर बहुत ज्यादा पड़ता है जैसे डॉक्टर्स डॉक्टर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो लोग पेशेंट्स की जान बचाता है किसी टीचर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को उनको एक एक नेशन को बिल्ड करने का मौका मिलता है स्टूडेंट के थ्रू तो अगर किसी भी इम्प्लॉय को ऐसा फील होता है कि जो उसकी जॉब है वो कहीं ना कहीं लोगों पर की लाइफ पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है या वो वो लोग उसके अपने इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है या वो लोग सोसाइटी में भी हो सकते हैं तो उस सिचुएशन से भी वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है फॉर मेनी अ जॉब होल्ड्स मोर मीनिंग इफ इट कैन हेल्प एंड इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ अदर पीपल वेदर फिजिकली साइकोलॉजिकली और इमोशनली जैसा मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को ये लगे कि उसकी जो जॉब है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की मदद करने में काम आती है उनके वेलबीइंग well में हेल्प करती है चाहे वो फिजिकली करे साइकोलॉजी करे इमोशनली करे तो वो अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन देती है एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था कोई नर्स है वो लोगों की लाइफ को बचाती है डॉक्टर हो गया कोई कोई भी टीचर है कोई भी सोशल वर्कर है कोई भी ऐसा या कोई भी एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है अगर वो कोई ऐसी चीज पर काम कर रहा है जिससे जिसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं लार्जर लाइफ पर पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेशन मिलती है द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक वॉज ऑटोनॉमी अब ऑटोनॉमी क्या होता है ये सब हम हम सबको ये पता है मोस्टली इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच जॉब प्रोवाइड सब्सटैशियल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू द एम्प्लॉई कोई भी ऐसी जॉब जहां पर इंडिविजुअल कोई भी जो एम्प्लॉई काम कर रहा है या कोई भी इंडिविजुअल अगर काम कर रहा है उसको एक फ्रीडम है उसके पास एक इंडिपेंडेंस है तो वो ऑब्वियसली उसको वो जॉब बहुत मोटिवेट करता है अगर आप देखो कि कोई भी आदमी अपना स्टार्टअप करता है अपना इंटरप्रीनोरशिप शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं

इंडिविजुअल्स आर एबल टू ऑप्टेन डायरेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको रिलेटेड आपको फीडबैक मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपको और मोटिवेशन मिलती है कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाता है फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर इन अ फैक्ट्री हु असेंबल्स मोबाइल फोन एंड देन टेस्ट देम टू सी वेदर दे आर ऑपरेटिंग इट प्रॉपरली और नॉट अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने देकर आपको समझाया कि कोई भी वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो अपने फीडबैक है, तो है है है। तो ले लेते हैं कई को बार कोई और आपको बता देता है कि आपका फीडबैक किस तरह का है तो ये वो पांच जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जॉब से रिलेटेड इस मॉडल में डाले गए हैं अब उन्होंने इस मॉडल में एमपीएस स्कोर भी कैलकुलेट करने का तरीका बताया एमपीएस स्कोर क्या है एमपीएस स्कोर इज मोटिवेट

और इस एमपीएस स्कोर के बेस पे उन्होंने क्या बताया इफ ऑल द फाइव कोर जॉब करेक्टरिस्टिक्स आर हाई There will be a high probability then the worker will experience the three psychological state. तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि अगर आपका एम स्कोर अच्छा है और हाई है तो दैट मीन्स कि आप जो आने वाले थ्री साइकोलॉजिकल स्टेट होंगे उन तीनों को आप कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे ऑन द अदर साइड अगर आपका स्कोर लो है तो ऑब्वियसली आप अपने जॉब को उतना ज्यादा इंजॉय नहीं करते एंड इट कुड ऑल्सो इफेक्ट द साइकोलॉजिकल स्टेट लेट्स टॉक अबाउट द थ्री क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स जिसके बारे में जो मिडल ऑफ द मॉडल है उसके बारे में बात करते हैं द फर्स्ट वन वॉज एक्सपीरियंसिंग मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क अब ये क्या होता है इंडिविजुअल शुड फील वेन दे आर वर्किंग दे आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एक बात हमेशा याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके जॉब के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं ऑब्वियसली तो आपको कैसा फील होगा आपको फील होगा कि मेरे मेरा जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफी मीनिंगफुल है और जो मैं काम करता हूं वो भी काफी मीनिंगफुल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल फॉर द सोसाइटी जब ऐसी फीलिंग आपको आती है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन लेवल बढ़ने लग जाता है दे शुड फील दैट देयर वर्क इन इन इट मीनिंगफुल तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होना चाहिए कि जो आपका काम है वही अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्क है आप ऐसे कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बहुत सारे एम्प्लॉइज से मैं मिलता हूँ वो हमेशा ये कहते हैं हम जो भी

एक्सपीरियंसड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द वर्क इन द कॉन्टेक्सट ऑफ जे सी एम वी आर स्पीकिंग ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो क्या होता है द इंडिविजुअल हैज टू फील पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ इज वर्क और द टास्क इज डूइंग कोई भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो भी आउटकम आएगा उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी यू आर अकाउंटेबल फॉर योर जॉब आपको अपने काम के लिए खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड दैट इज द सेकंड साइकोलॉजिकल स्टेट थर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट इज द नॉलेज ऑफ रिजल्ट नॉलेज ऑफ रिजल्ट कैट इज कॉमनली नोन फैक्ट दैट नोइंग द रिजल्ट और आउटकम ऑफ योर जॉब विल हेल्प यू ट्रैक और मॉनिटर योर इफेक्टिवनेस इन योर जॉब अगर आपको अपने काम का रिजल्ट पता चला जाए आपको आउटकम पता चल जाए तो उससे आपको मोटिवेशन मिल जाती है वाई क्योंकि आपको ये पता चल जाता है आप मोनिटर कर पाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही तो वो भी आप इसमें ट्रैक डाउन कर पाते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन 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 इवेलुएटिंग योर जॉब परफॉर्मेंस इन अ बेटर वे तो इससे आप अपने जॉब परफॉर्मेंस को भी एक बेटर वे में इवेलुएट कर पाते हैं तो ये वो तीन साइकोलॉजिकल स्टेट हैं जो आपके जॉब करेक्टरिस्टिक्स से निकल कर आते हैं अब इसको तीन मॉडरेटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उन मॉडरेटर्स के बारे में बात करते हैं द फर्स्ट मॉडरेटर इज द नॉलेज एंड स्किल्स नॉलेज एंड स्किल्स क्या होता है तो इट इज इफ एन एम्प्लॉय हैज द नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस इन देर रोल दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स देयर जॉब एंड देयर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव हम जो भी काम कर रहे हैं अगर उस काम में हमारा स्किल है हमारी नॉलेज है हमारा एक्सपीरियंस है तो हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम वो काम कर लेंगे ऑन द अदर साइड और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे परफॉर्मेंस पर पड़ता है तो आपको जो एक मॉडरेटर है जो आपके इस साइकोलॉजिकल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपका नॉलेज हो गया सेकेंड इज ग्रोथ नीड एंड स्ट्रेंथ इसके बारे में बात करते हैं ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ इज इज अ डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय हैज द नीड टू ग्रो एंड डेवलप आप, आप देखोगे बहुत सारे लोगों में ना बहुत ज्यादा एक नीड होती है एक हंगर होती है ग्रो करने की चाहे कोई भी रीजन से हो चाहे उनके अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनके खुद की ग्रीड की वजह से बट उनमें कहीं कही कहीं ना जुनून होता है आगे ग्रो करने का तो वो चीज भी बहुत ज्यादा आपके इन्फ्लुएंस करता है आपके साइकोलॉजिकल स्टेट को एन एम्प्लॉय विद हाई ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मच मोर लाइकली टू रियक्ट इन अ पॉजिटिव वे टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस दस मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द थ्री साइकोलॉजिकल स्टेट ऑब्वियस बात है कि जिसमें ज्यादा हंगर होगा

जब भी कोई एम्प्लॉय इन सारी चीजों से अच्छा फील करता है लाइक like, वो अपने मैनेजर से खुश है अपनी सैलरी से खुश है अपने कोवर्कर्स से खुश है जॉब में सिक्योरिटी फील करता है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्टेक्ट सैटिस्फैक्शन बढ़ता है अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल आपको सूट नहीं कर रहा मान लीजिए आपका मैनेजर आपको बहुत परेशान करता है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्टेक्ट सैटिस्फैक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं है दैट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हो जॉब को पसंद करते हो बट एक पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको परेशान कर रही है और उससे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा दे रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू हाई मोटिवेटिंग जॉब्स एंड लेस पॉजिटिवली वैन दे आर नॉट सेफाइड ऑब्वियसली बात है वो हमेशा हाई मोटिवेटेड जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज

An में may मोटिवेशन और or इज जॉब फ्रॉम एक्सटर्नल external sources. However, द बेस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन is द intrinsic मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको वो होता है जो आपको एम्प्लॉय आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है ऑन द अदर साइड जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है जो आपके अंदर से फीलिंग आती है जॉब को सैटिस्फेक्शन ले को लेकर हो जॉब की सिक्योरिटी को लेकर हो चैलेंजिंग जॉब को लेकर हो तो अगर इस तरह के आपके अगर जॉब आपको पसंद है आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स भी सारे अच्छे हैं तो ऑब्वियसली जो पहला आउटकम आपका कर आएगा आप इंटरनली बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे इंटेंसिक मोटिवेशन आपको फील होगी द सेकेंड थिंग इज हाई ग्रोथ सैटिस्फैक्शन हाई ग्रोथ सैटिस्फैक्शन मीन चैलेंजिंग जॉब लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड दे विल फील सपोर्टेड एज वेल Obviously, बात है जॉब इतनी चैलेंजिंग है कि आपको उससे बहुत सैटिस्फैक्शन मिल रहा है आप इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज यू हैव द कॉम्पिटेंस एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग फीडबैक एंड यू आर गेटिंग सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट एज वेल तो अगला जो आउटकम आपको मिलेगा वो मिलेगा ग्रोथ सैटिस्फैक्शन जो थर्ड आपको आउटकम मिलेगा दैट विल बी हाई जनरल जॉब सेटिस्फैक्शन एक जनरल जॉब सेटिस्फैक्शन की हम बात कर रहे हैं अगर आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स अचीव हो जाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल फील मोर सेफाइड इन द जॉब एंड द फोर्थ वन इज हाई वर्क इफेक्टिवनेस अगर आपकी जॉब में वो पाँचों क्वालिटीज हैं और उससे आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट भी तीनों पॉजिटिव आ रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी इफेक्टिवनेस आपकी एफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू एंड यू विल फील मोर मोटिवेटेड एज वेल So this was all about JCM model, or also called as job characteristic model. I hope you enjoyed this session. Thanks for watching. Do subscribe to my channel. Also hit the notification button so that you can get notified whenever I will upload a new video. So thanks for watching. We'll meet in the next video very soon.